तो प्रेमपाल जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं दिनेश कुमार तिवारी सुमिटोमो केमिकल कंपनी की तरफ से शाहजहाँपुर हेडक्वार्टर। आज हम उपस्थित हैं गांव मदारपुर में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस खेत में हमने सुमी ब्लू डायमंड, जो ये प्रोडक्ट है हमारा सुमिटोमो केमिकल का सुमी ब्लू डायमंड, इसका प्रेमपाल जी ने अपने खेत में लाके 4 एकड़ में इन्होंने लगाया। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, प्रेमपाल जी थोड़ा अपने बारे में परिचय दीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रेमपाल सिंह, मदारपुर बैबहा, डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर। ठीक है प्रेमपाल जी, अब आप थोड़ा सा अनुभव बताएं अपना कि सुमी ब्लू डायमंड जो आपने 4 एकड़ में इस्तेमाल किया है, उसका रिजल्ट कैसा रहा? रिजल्ट सर देख लीजिए, ये इसमें नहीं लगा है, दूसरा खेत हमारा है और इसमें लगा है। इसकी जड़ देखिए, ये देखो। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, थोड़ा अब हम अच्छा आपको काम है इसका। थोड़ा आपको हम विस्तार रूप में बता रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि इसमें पड़ा हुआ है, ठीक है, इस वाले प्लॉट में पड़ा हुआ है सुमी ब्लू डायमंड, ठीक है। और इसमें आप देखो कल्लों की संख्या कितनी ज़्यादा है, ठीक है, कल्लों की संख्या आप इसमें गिन सकते हो। जरा इधर इधर देखो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कल्ले हैं जिसमें सुमी ब्लू डायमंड अप्लीकेशन हुआ है, ठीक है ना। और इसमें नहीं हुआ है, आप इसमें कल्लों की संख्या गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें 8 है और इसमें 11 कल्ले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, और इसकी आप लंबाई देखो, तने की आप चौड़ाई देखिए कितनी मोटी है इसकी, इसमें जड़ की ग्रोथ देखिए और इसमें देखो कितनी लंबी जड़ है। तो जितना ज़्यादा जड़ जो है विकसित करती है, उतना ही ज़्यादा खाद पानी न्यूट्रिएंट्स खींच के पौधे को देती है और पौधे का वृद्धि विकास होता है। तो सुमी ब्लू डायमंड का ये जो आप रिजल्ट देख रहे हो, क्या प्रेमपाल जी और आप लोग जो है संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, अच्छा रिजल्ट है, आपको ग्रोथ अच्छी दिख रही है पौधे की? अच्छी दिख रही है। तो ठीक है, हम आपसे यही अनुरोध कर रहे हैं कि आप दूसरे किसानों को भी बताएंगे इसके बारे में, सुमी ब्लू डायमंड के बारे में बताएंगे आप लोग, और अपने खेतों में भी लाके आप प्रयोग करेंगे। चलिए ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।